2 मई तक होगा लॉकडाउन। हे भगवान, ये लॉकडाउन तो फिर बढ़ गया, पता नहीं कब खत्म होगा ये। अरे मैं तो बोर हो गया हूँ यार घर पे बैठ बैठ के। अरे आप तो सिर्फ बोर हो रहे हैं ना, मैं तो परेशान हो गई हूँ। सारा दिन दोनों बाप बेटा मुझे कहते हैं ये कर दो वो कर दो, ये दे दो वो दे दो, तो दुखी कर दिया यार मुझे। अरे यार तुम क्या हर जगह अपना रोना लेके बैठ जाती हो। रुको यार दिनेश को बताता हूँ खबर। दिनेश बेटा। अरे नहीं सुनेगा वो, बिल्कुल आप पे जो गया है। अभी देखना थोड़ी देर बाद वहाँ से एक फरमाइश आएगी, मम्मी मुझे ये दे दो। मेरे को तो घर की नौकरानी समझ के रखा है। मम्मी कुछ खाने को दे दो यार, बहुत भूख लग रही है। देखा क्या कहा था मैंने, इतना नहलाया क्या नहीं लड़का। अच्छा बेटा ला रही हूँ। तो यार परेशान करके रख दिया सबने मुझे। अरे यार, अरे अरे सुनो तो। हेलो। हाय बेबी। हाँ बेबी। क्या कर रहे हो? अरे वो थोड़ा हॉरर मूवी देख रहा था। अच्छा तुम्हें डर लग रहा है ना? अरे मुझे डर थोड़ी लगता है यार, कुछ भी। रहने दो यार तुम। क्या? एक मिनट ना। अरे ये कब हुआ? अच्छा एक मिनट ना, मैं कॉल करता हूँ। अच्छा ओके। हाँ ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, ठीक है हम बस निकल रहे हैं। हाँ ठीक है ओके। पापा क्या हुआ, क्या हुआ, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? अरे वो मोहित का एक्सीडेंट हो गया है। अपना मोहित? अरे हाँ अपना मोहित। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे ये सवाल जवाब ना बाद में करना, एक काम करो तुमने जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जल्दी निकलना है। अरे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ना जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। अरे नहीं बेटा तू ना यहीं पर है, क्या पता पुलिस वाले हमें भी जाने दें या नहीं, इसलिए तू घर पर रहे और घर का ख्याल रख। ठीक है? ठीक है पापा, फिर मैं घर ही रहता हूँ। हाँ चल ठीक है। अरे तुम जल्दी से तैयार हो जाओ ना। अरे हाँ हाँ हम बस निकल रहे हैं। हाँ हाँ चलो ठीक है ठीक है। अरे कितना भी मेकअप कर लो, मूछें तो तुम्हारी दिखती रहेंगी, मूछे वाली औरत। अच्छा सुनो मैं नीचे जाके गाड़ी निकालता हूँ, नीचे आ जाना। ठीक है। जल्दी आना। अच्छा दिनेश बेटा। दिनेश। हाँ जी मम्मी, मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर ले। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना, जल्दी से उठ के दरवाजा बंद कर ले। मम्मी कर लूंगा, अभी मूवी देख रहा हूँ। हेलो। हाँ बेबी। एक मिनट ही हुआ तुम्हारा। अरे वो पापा आ गए थे ना, मेरे ध्यान ही नहीं था। रहने दो तुम। अच्छा चलो वो सब चले गए, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ अभी, ठीक है? अच्छा एक मिनट दो, बाय बाय। हाय जान, कैसे हो? फिलहाल तो तुमसे गुस्सा हूँ। अरे बाबा सॉरी ना, वो पापा आ गए थे। कुछ नहीं बाबा, तो क्या करा रहे तुमने सुबह से? आपको मिस। हाँ इतना मिस कर रहे हो? बहुत सारा। पता है घर वाले ना गए बाहर। क्या हुआ? क्या पता नहीं कुछ आवाज जैसी आई। अच्छा तुम मेरी आवाज पे फोकस करो। तुम बताओ, आज रात को ना वीडियो कॉल करेंगे। तुम्हारे घर वाले नहीं है, मेरे घर वाले अभी भी यही हैं। अच्छा क्या हुआ? ये मैं तुम्हें एक मिनट में कॉल करता हूँ, ठीक है? हेलो। हाँ बेबी। कहाँ चले गए थे तुम? अरे बाबा वो बाहर से ना मुझे दरवाजा बजने की आवाज आ रही थी। अच्छा। और जब मैं बाहर गया दरवाजा भी स्टेबल था और वहाँ कोई हवा भी नहीं चल रही थी। फिर कैसे आई होगी यार? अच्छा ये सब छोड़ो ना, सुनो आज रात को मैं अकेला हूँ, आऊँ क्या तुम्हें लेने? पुलिस डंडे मारेगी। अच्छा तो तुम मेरे थोड़े से डंडे नहीं खा सकते? खा सकते हो। मैं तो खा सकता हूँ। चलो ठीक है बाय।
प्यारी है यार ये, क्या करूं। ओह मूवी कंटिन्यू करता हूं। किसका फोन है? हाँ जान बोलो। गए पापा? इतना टाइम? अरे बाबा वो ना शायद किचन में बिल्ली आ गई थी तो उसने प्लेट नीचे गिरा दी थी, फिर वो प्लेट उठा के आया और तभी मैंने देखा तो वहाँ पर गैस भी ऑन थी और उस पर पानी भी लगा था। मम्मा भी ना भुलक्कड़ होते जा रहे हैं, मतलब आधे अधूरे काम करके छोड़ दिया। मुझे याद है मैंने तो तुम्हारा घर ही नहीं देखा। अच्छा घर देखना है, चलो दिखाता हूँ रुको। हाँ दिखाओ दिखाओ मुझे। चाहिए देखो ये मेरा रूम है, यहाँ पे मैं सोता हूँ, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ, बस यही करता हूँ, ये मेरा रूम है। और ये है बाहर हॉल, यहाँ पर बीन बैग पड़े हैं जहाँ पे हम बैठते हैं, और ये रहा मेरा किचन जहाँ पे बर्तन पड़े हैं बहुत धोने को, ये नीचे गैस है और ये ऊपर। यार तुमने तो बोला था कि तुमने पतीला फेंक दिया, ये तो अभी भी वही है। अरे जान कसम से यार मैंने इसको अभी फेंका था यार। झूठ मत बोलो। लो तुम्हारे सामने दोबारा गैस बंद करके इसको मैं फेंक देता हूँ, ये लो फेंक दिया ठीक है, और ये पतीला भी रख दिया साइड में। झूठ मत बोलो। अरे जान मैं सच कह रहा हूँ यार, मैंने पहले भी पानी फेंका था इस पतीले से। तो तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अच्छा बाबा वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो मैं ना कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद फोन करता हूँ ठीक है। हाँ ठीक है, ख्याल रखना। ओके बाय। ओके बाय। कौन है? हेलो जान, यार मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा हुआ क्या है? यार मैंने सब्जी काट रहा था और तभी पीछे हॉल की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था, फिर दोबारा सब्जी काटने लग गया और जब मैंने दोबारा पीछे मुड़ के देखा ना तो सारे रूम का सामान ऐसे फैला हुआ था। यार जान बहुत डर लग रहा है। अभी तो देखा था हॉल। हाँ जान मैंने तुम्हें रूम दिखाया तो था यार, बिल्कुल साफ था, और मैंने पीछे मुड़ के देखा सब तो तुम मुझे बुझ भरोसा। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये पीछे वाली विंडो करके दिखाता हूँ, रुको ये देखो साफ तो है। जान मैं सच कह रहा हूँ यार, दो मिनट पहले सारा रूम फैला पड़ा था यार, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा एक काम करो पहले अपने रूम में जाओ। अच्छा ठीक है जा रहा हूँ रूम में, लेकिन जान मुझे बहुत डर लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे ना कंटिन्यूअसली घूर रहा है पर कोई दिख भी नहीं रहा यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने हॉरर मूवी देखी है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है तुमको। शायद तुम सही कह रही हो यार, ये सब ना हॉरर मूवी की वजह से हो रहा है। तुम रेस्ट करो। मुझे थोड़ी रेस्ट कर लेनी चाहिए। चलो ठीक फिर मैं ना सो जाता हूँ थोड़ी देर, और तुम अपना ख्याल रखना ठीक है। चलो ठीक है बाय।
उन्होंने ना उधर। हेलो कौन है? क्या हो गया? अरे कौन है यहाँ? अरे कौन है? खाले फोन खाले। हेलो जान। हाँ क्या हुआ? जान कुछ तो गड़बड़ है यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। किचन में वो पतीला दोबारा वहीं पे गैस पे था। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यार, प्लीज यार मुझे बताओ यार। मैं तुम्हें करता हूँ फोन। फक यार, इसका फोन भी बंद है, क्या करूं? कोई तो है यार। जनमन ज्ञान गुण सागर। कौन है? चली गई। कौन है? कौन है इधर? अरे कौन हो तुम? तुम्हें चोरी करनी है ना, तुम चोरी करो। तुम्हें जो सामान चाहिए तुम ले जाओ, तुम्हें फोन चाहिए तो मेरा फोन ले लो, तुम्हें पैसे चाहिए फिर बस सिर्फ 1000 रुपए, तुम 1000 रुपए ले लो प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज। इन सब चीजों का मैं क्या करूंगी, मुझे तो बदला चाहिए बदला। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं करा। तुमने नहीं, मेरे लड़के ने किया है। वो सारा दिन मुझे परेशान करता था, कभी ये कर दो कभी वो कर दो, मुझे नौकरानी समझ के रखा था। इसीलिए एक दिन मैंने गुस्से में आकर उसे मार दिया। और उसके बाद मैंने खुद को फांसी लगा ली।
और उस दिन के बाद से जो भी लड़का अपनी माँ को परेशान करता है मैं उससे बदला लेती हूँ। अरे शायद तुम्हें कोई वहम लग गया, मैं अपनी मम्मा को परेशान नहीं करता कसम से। झूठ मत बोलो, मैंने देखा है तुम्हें सारा दिन आराम करते हुए और अपनी माँ से काम करवाते हुए। इसका मतलब तुम मुझे भी मार दोगे? हाँ, तुम्हें भी मार दूंगी, फिर तुम्हारी माँ को कोई परेशान नहीं करेगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। प्लीज मैं अपनी माँ को कभी परेशान नहीं करूंगा। प्लीज मुझे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, माँ को परेशान करने की कोई माफी नहीं होती। तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुमसे वादा करता हूँ, सारे काम खुद करूंगा, सारे काम खुद करूंगा, कोई काम नहीं करवाऊंगा अपनी मम्मा से। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, लेकिन अगली बार अगर तुमने अपनी माँ को परेशान करा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। चलो ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो, कहा ना करो। ठीक है, ठीक है। अरे बेटा बड़ा टाइम लगा दिया खोलने में। पापा मैं सो रहा था ना। अरे कहाँ रह गई, जल्दी आओ। थक गया रात भर हॉस्पिटल में ना। अरे हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अरे अब तो ना बस मेरे को सारा दिन आराम से सोना है, वर्क फ्रॉम होम की भी छुट्टी है। अरे मुझे तो अभी बहुत काम है, खाना बनाना है, सफाई करनी है, मुझे कहाँ है आराम। अरे हाँ बिल्कुल ठीक है ना, आप दोनों आराम करो और मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। अरे नहीं बेटा तुम रहने दो, मैं आप दोनों के लिए ना आलू के परौंठे और गर्म गर्म चाय लेके आता हूँ। अरे बेटा तुम रहने दो, मैं कर दूंगी। अरे बेटा सुना तो सही। अरे नहीं यार मम्मी आप कितना थक गए होगे, आप दोनों ना रेस्ट करो, मैं आप दोनों के लिए कुछ बना देता हूँ। मैं अभी लेके आता हूँ बना के, आप दोनों रेस्ट करो। सही कहा था आपने, मजा ही आ गया।